वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे आप सब? तो यार आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक यार आप सभी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन हमेशा ही बना रहता है, पर तब भी मैं बता देता हूँ कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं SSC स्टेनोग्राफर की इंग्लिश हम किस बुक से तैयारी करें उसके बारे में। और आज मैं आपको ऐसी दो इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी इंग्लिश को अच्छा करने में बहुत ही ज्यादा कारगर रहने वाली है। तो मेरी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो। ऐसी ही SSC स्टेनोग्राफर से जुड़ी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यार जो SSC स्टेनोग्राफर वाले बच्चे होते हैं या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें आपको पता ही है कि जो इंग्लिश होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए बच्चों के मन में क्वेश्चन हमेशा बने रहता है कि हम ऐसी कौन सी बुक से तैयारी करें, वोकैबुलरी और ग्रामर, जिसमें हमारी दोनों अच्छी हो सके। तो आज हम इन्हीं दोनों इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है अगर हम खासकर SSC स्टेनोग्राफर वाले बच्चों की या फिर उनके एग्जाम की बात करें तो उसमें जो इंग्लिश का पार्ट होता है यार वो 100 मार्क्स का आता है अकेला पार्ट, और जिसमें आपकी ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप वो 100 मार्क्स में से आप अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता ही है जो आजकल की जो वोकैबुलरी आ रही है वो एग्जाम्स में बहुत ही एडवांस लेवल की आ रही है, वो आपसे डायरेक्ट वे में ना पूछ करके इनडायरेक्ट वे में पूछ सकता है। जैसे पैराग्राफ की फॉर्म में आपसे वोकैब पूछ सकता है, आपसे और भी फॉर्म में वोकैब पूछ सकता है। तो इसलिए हमारी वोकैबुलरी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप सिर्फ ग्रामर की ही तैयारी करेंगे और वोकैबुलरी के साथ साथ तैयारी नहीं करेंगे तो यार आप इन एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और शायद आप एग्जाम भी क्लियर ना कर पाए। तो यार यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उस दो बुक्स के बारे में जो आपकी वोकैबुलरी के साथ साथ आपकी ग्रामर भी एक अच्छी करने में हेल्प करेगी। पहली बुक जो हमारी है जो आपकी वोकैबुलरी सुधारने में आपकी हेल्प करेगी वो यार ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, जो एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो भी इसमें है, और ये जो बुक है यार वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो हर फॉर्म के दे रखे हैं, जैसा कि जो आजकल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं और जो पहले आपके किस फॉर्म में वोकैबुलरी का सेक्शन आता था उस सभी फॉर्म में आपके इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है तो आपको ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है। इस बुक में आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे वोकैबुलरी से जुड़े हुए, चाहे वो एंटोनियम का सेक्शन हो, चाहे वो सिनोनिम का सेक्शन हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेक्शन हो, या फिर वो किसी भी फॉर्म में आपके वोकैबुलरी आती है तो वो उस बुक में रहने वाली है बिल्कुल ही। और उसमें एक अच्छी बात ये भी है कि आपको उसमें प्रीवियस ईयर के टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और एक एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड बुक के बारे में। जो सेकंड बुक है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है अगर आपको अपनी वोकैबुलरी सुधारनी है, तो वो है यार MB पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक। तो जो ये वाली बुक है यार MB पब्लिकेशन की बुक और जो ब्लैक बुक का वोकैबुलरी है, इन दोनों ही बुक का पैटर्न सेम है क्योंकि इन दोनों ही बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक अच्छे टाइप के देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एग्जाम्स को लेकर के, और आप जो से इंग्लिश है वो भी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने हमें बुक तो बता दी दो कि ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी और MB पब्लिकेशन की, ये दोनों बुक आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है इंग्लिश को सुधारने के लिए, बट ये हमें याद ही नहीं होती। और क्योंकि आपको वोकैबुलरी अपनी सुधारनी है तो आपको भाई वोकैबुलरी याद ही करनी पड़ेगी। अब चाहे वो ट्रिक से करो चाहे वो किसी भी फॉर्म में करो, आपको वोकैबुलरी याद ही करनी पड़ेगी। और आधे से ज्यादा बच्चों की दिक्कत यही होती है कि आपको वोकैबुलरी याद ही नहीं होती है। तो यार मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि वोकैबुलरी आप कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी वोकैबुलरी सुधारनी है। सबसे पहले आप अपना टारगेट लेके चलो, डे टू डे अगर आप अपना टारगेट लेके चलोगे कि आज मेरे को कम से कम 20 वोकैब्स एंटो की पढ़नी है और वो याद करनी है, या फिर 20 वोकैब मेरे को साइनोनियम की पढ़नी है वो मुझे याद करनी है, तभी आपका कुछ हो पाएगा वोकैबुलरी को लेकर के। और अगर आपने 20 वर्ड आज याद करे हैं तो प्लीज उनको कल दोबारा रिवाइज करना अपने नेक्स्ट सेशन से पहले, क्योंकि अगर आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो आपके माइंड में बैठेगी नहीं पूरी तरह। और जब आपने वो रिवाइज कर लिया, आपने ये रूल अपना लिया कि आज मैं पढ़ूंगा कल रिवाइज करूंगा, आज पढ़ूंगा कल रिवाइज करूंगा, तो 100% जो वोकैबुलरी है वो आपके दिमाग में बिल्कुल ही ज्यादा बैठ जाने वाली है। और अगर हम ट्रिक नंबर 2 की बात करें कि इनको हम याद कैसे करें, तो मैं बताता हूँ यार, अगर आप जैसे किसी वर्ड का एंटोनियम पढ़ रहे हो, आपने वो एंटोनियम पढ़ लिया, आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया और वो आपके मन में बैठ नहीं रहा है, तो क्या करो उस वर्ड को लेकर के पूरा सेंटेंस बनाओ। अगर जब आप अपने आप से उस वर्ड को लेकर के पूरा सेंटेंस बनाओगे तो 100% वो वर्ड आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आपको उसका मतलब याद भी नहीं आ रहा हो
तो आप एग्जाम में अपना सेंटेंस याद कर सकते हैं कि मैंने क्या सेंटेंस बनाया था इसको लेकर के, कुछ मिलता जुलता, तो वो वाली वोकैबलरी आपको याद आ जाएगी। तो एक ट्रिक नंबर टू थी जिससे आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाएगी। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक यही है कि आप अपनी रिविजन को स्ट्रांग रखना, अपनी रिविजन को कभी भी स्किप मत करना अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है। क्योंकि आपको पता है जीके तो आप सुधार सकते हो, बट इंग्लिश सुधारने के लिए आपको अपनी रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो इतने हैवी हैवी होते हैं कुछ वोकैबलरी के, जो हम एक बार पढ़ के तो याद कर सकते हैं, बट अगर हम इसको दोबारा रिमाइंड करते हैं तो वो हमारे माइंड में नहीं बैठता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक यही है आपके लिए कि आपको रिवीजन इन सब की करनी ही करनी है, रिवीजन आपको उसकी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो आप कल रिवीजन करो, और आप कल पढ़ रहे हो तो परसों रिवीजन जरूर करना। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसी दो इम्पोर्टेंट बुक जो आपका इंग्लिश सुधारने में आपकी मदद करेगी, जो कि है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी और एमबी पब्लिकेशन, ये दोनों ही बुक। और यार सबसे पहली बात, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो इस एग्जाम को लेकर के या फिर किसी भी एग्जाम के सब्जेक्ट को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा अपनी वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।